तो अगर आपको सब कुछ चाहिए तो इसको आपको फ्री रखना चाहिए। एक और चीज खास बात ध्यान रखना कि यहाँ पर ना कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। इस पार्ट दिन में तो फिर भी धूप की लाइट रहती है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम आती है शाम को। ठीक है, शाम के टाइम में यू मस्ट ट्राई टू मेक श्योर दैट यू शुड पुट अ लाइट ओवर हेयर। एक आप हल्की सी भी लाइट लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन शाम को या रात को यहाँ पर लाइट जरूर रहनी चाहिए। ये अगर अंधेरा रहेगा तो ये परेशान करेगा। ठीक है, ट्राई टू मेक इट क्लियर, क्लीन एंड क्लियर, और क्लटर फ्री होना चाहिए। यहाँ पे कोई स्टोर भी नहीं होना चाहिए और यहाँ पे कबाड़ भी नहीं होना चाहिए। देन कम्स द सेंटर, ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान में अगर किसी के कोई भी चीज बनी हुई है, चाहे वो स्टेयर्स है, चाहे किचन है, चाहे बेडरूम है, चाहे टॉयलेट है, तो वो उसको आप कितना भी कुछ कर लो, वहाँ पे कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा, डिस्टर्बेंसेस रहनी ही रहनी। अगर ये कोई भी चीज़ सेंटर में आ गई है तो आप कभी भी कोई प्रॉपर्टी लें, कोई बिल्डिंग लें, कुछ भी लें, आप ध्यान रखिएगा कि ब्रह्म स्थान शुड बी एम्प्टी। और ब्रह्म स्थान में कोई कॉलम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉलम वॉल भी नहीं होनी चाहिए और बीम भी नहीं जाना चाहिए ब्रह्म स्थान के ऊपर। अगर ये चला गया तो डिस्टर्बेंस होगी, होती ही होती है। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, पेट से रिलेटेड ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, इससे रिलेटेड इशूज भी आते हैं। तो ब्रह्म स्थान आपका जितना ओपन रहने वाला है, जितना खुला रहने वाला है, उतना आपको फायदा होगा ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान को हमेशा क्लीन एंड क्लियर, ये खुला रहने से लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स बाय डिफॉल्ट खुलते चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना अपने को कि जैसे हमें लगता है कि हमने कोई कोशिश भी नहीं करी, फिर भी ये काम कैसे हो गया, इतने तो मेहनत भी नहीं कर रहे। तो अगर ये सेंटर आपका ओपन है तो आपको ऐसे ही रिजल्ट मिलते हैं कि आपकी कोशिश कम होती है और रिजल्ट आपको ज्यादा मिल जाते हैं। इसीलिए सेंटर को ऑलवेज ट्राई टू कीप इट ओपन। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। कमल का फूल होता है, ठीक है, लोटस फ्लावर होता है, एक येलो लोटस फ्लावर ले लीजिए। ठीक है, नॉट लिविंग प्लांट, फ्लावर पिक ले लीजिए येलो लोटस फ्लावर की, और उसको ना स्टिकर टाइप का कुछ बना लीजिए। उसका स्टिकर जिससे होता है, जब गमिंग शीट पे उसको लगा दीजिए, और जो भी आपका सेंटर आता है वहाँ पे फर्श पे लगा दीजिए। ठीक है, सेंटर के बारे में आपको समझ आ गया। सेंटर पे कोई भी सामान नहीं रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना, एट एनी कॉस्ट सेंटर निकाल लो आप अपने घर का और बिल्डिंग का। वहां पे अगर कुछ भी रखा हुआ है तो उसको तुरंत हटा दो आप। ठीक है, वरना ब्लॉकेजेस खत्म नहीं होंगी, ब्लॉकेजेस आती रहेंगी। और कोई भी ऐसी जगह मत लेना जहाँ पे कोई टॉयलेट किचन और ये सब सेंटर बना हुआ हो। सेंटर जितना ओपन रखोगे उतना आपको बेनिफिट होगा हमेशा। नाउ वी कम्स अबाउट द स्मॉल स्मॉल टिप्स वास्तु के, जैसे एक आपको ये पता लग गया अब आपको क्या कर सकते हो। आप छोटी छोटी चीजों में चाहे टैलेंट भी हो, दैट यू कैन कीप येलो फ्लैट इन साउथ वेस्ट। आपको अपने काम में सक्सेस चाहिए तो साउथ वेस्ट में आप येलो फ्लैट रख सकते हो। येलो फ्लैट यू कैन पुट द लाइवली प्लांट फ्लैट ऑल्सो एंड यू कैन पुट द आर्टिफिशियल ऑल्सो। नॉर्मली वी यूज टू अवॉइड